नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद सोनिक। चलिए दोस्तों, की शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, आज का जो शेयर है वो जोमेटो को, जोमेटो के बारे में बात करने से पहले आज तारीख है 9 नवंबर और सुबह के 11:15 और लाइव मार्केट ओपन इस टाइम पे, मगर अब मूवमेंट बन रहा है क्योंकि जोमेटो के अंदर कल इसका क्वार्टर टू का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट काफ़ी अच्छा आने वाला है, तो उससे पहले मुझे लगता है कल तक के लिए कॉल दे रहा हूँ आपको मैं, तो मुझे लगता है कि इसमें आपको जो टारगेट दूँ वो दोनों टारगेट हिट होंगे, तो डेफिनेटली इसमें बाय करेंगे तो डेफिनेटली अपने प्रॉफिट को गेन करेंगे। तो जोमेटो के बारे में आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, फूड सेगमेंट की कंपनी है, फूड डिलीवरी का काम करती है। ये देखिए आप, उस जोमेटो की वेबसाइट है, इसके अंदर ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। जोमेटो के बारे में हर कोई अवेयर करता है, हर कोई जानता है जोमेटो का बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस क्या है, सब कोई जानता है। तो जोमेटो के बारे में पूरा एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है, ज़्यादा समय वेस्ट ना कर खराब ना करते हुए आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आप देखते हैं जोमेटो के अंदर चल क्या रहा है। तो आज ये ओपन होता है 133 रुपये पे, हाई मारा इसने अभी तक, अभी तो हाई चल ही रहा है इसका। ये देखिए थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ, 133 पे हाई ओपन होता है, 137 का हाई मारता है, 131 का लो मारता है। इसका 52 हाई है, 152.75 पैसे 52 लो है, 115 रुपये। ठीक है, तो ये ओवरव्यू इसका अभी तक। और इसने 5 दिन में हमें कितने रिटर्न दिया, इसने 5 दिन में 2% रिटर्न दिया है, 1 महीने में इसने 0.73% माइनस में दिया है, और 6 मंथ के अंदर ने 7% रिटर्न दिया। अभी तक ये चला नहीं है शेयर, अब इसके अंदर मूवमेंट क्योंकि ये स्टार्टर है। ठीक है, तो स्टार्टअप कंपनी है, तो इसका इंडिया से है कंपनी, 2008 में फाउंडेड हुई थी कंपनी। बाकी इसका अभी IPO आया था, उसके बाद से कंपनी का अच्छा IPO, ये IPO के लेवल, इसी लेवल पे IPO हुआ था इसका स्टार्ट। तो IPO के बाद से इसके अंदर मूवमेंट अब देखने को मिलेगी, क्योंकि अब इसका क्वार्टर रिजल्ट आएंगे। बाकी इसमें 3 न्यूज़ चल रही है, उस 3 न्यूज़ को भी आपको समझाऊंगा। बाकी जब इसका कल क्वार्टर टू का रिजल्ट आएगा, उसका अब रिजल्ट आने के बाद आपको इसके आगे के व्यू बताऊंगा, आगे के टारगेट बताऊंगा। बट ये 2 टारगेट दूंगा, ये टारगेट कल तक के लिए है, मेरे को लगता है कल तक दोनों टारगेट हिट होंगे, तीसरा टारगेट भी शायद कल ही हिट हो जाए। तो ये देखते हैं इसके अंदर न्यूज़ क्या चल रही है। इनका देखिए, ये न्यूज़ आया था BSE पे, इन्होंने अपडेट किया था, तो इन्होंने 20 तारीख को अपडेट किया कि 10 नवंबर को हम अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट अनाउंस करेंगे, अर्निंग अनाउंस करेंगे ये। ठीक है, एक न्यूज़ तो ये थी। सेकेंड न्यूज़ क्या है इसके अंदर, सेकेंड न्यूज़ ये है कि जोमेटो सिप रॉकेट में इन्वेस्ट करना चाहता है $2 मिलियन अराउंड। ठीक है, 2 मिलियन का अराउंड इसमें, यानी कि जो सेगमेंट, यानी कि जोमेटो को पता है, ये पहली इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट करी जोमेटो ने लिस्टिंग के बाद से। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है कि सिप रॉकेट के अंदर ये इन्वेस्ट करना चाहता है। ये देखिए, लॉजिस्टिक स्पेस विथ इन्वेस्टमेंट, तो लॉजिस्टिक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ये कंपनी। या तो कुछ तो अर्निंग करेगी, जब भी तो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है लॉजिस्टिक के अंदर, तो लॉजिस्टिक के अंदर ये इन्वेस्ट करना चाहता है, $200 मिलियन के आसपास या अराउंड इन्वेस्ट करना चाहता है जोमेटो सिप रॉकेट के अंदर। ठीक है, एक न्यूज़ ये रही। तीसरी न्यूज़ जो आई है आज इसके अंदर, तीसरी न्यूज़ कल आई थी, तो MSCI इंडेक्स, यानी कि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, ये एक फॉर्म होती है, फॉर्म हमें बताती है कि ये एनालाइज करती है वर्ल्ड वाइड, यानी कि कौन सी कंपनी अब ट्रेंडिंग में जाएगी, मिड कैप और लार्ज कैप के अंदर वो फोकस रखती है ये लोग। तो ये हमें बताते हैं किस कंपनी के साथ हम इन्वेस्ट करने। मॉर्गन स्टैनली एक रेटिंग रखता है, रेटिंग के अंदर ये होता है, रेटिंग के अंदर IRCT, टाटा पावर, जोमेटो, ये अंदर आने पॉसिबिलिटी है कि इनको आना, ये स्टॉक इसके लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। तो एक न्यूज़ ये चल रही है, 3 न्यूज़ मैंने आपको बता दिया। अब जोमेटो के अंदर क्या है, ज़्यादा मोटा नहीं समझते। ठीक है, तो 60 टिकट टाइप के साइड में 69% एनालिसिस में बाय करने के लिए। ठीक है ना, अब देखिए इसका मूवमेंट क्या बन रहा है। ये देखिए, मैंने इसका डेली चार्ट ओपन कर रखा है, तो आज हमें इसमें स्टॉप लॉस रखना है, इसमें रखना है स्टॉप लॉस 130 के स्टॉप लॉस से बाय करिए, क्योंकि देखिए ये कैंडल जो फॉर्मेंट हो रही है, ये कैंडल जो फॉर्मेंट हो रही है आज के टाइम में, क्योंकि इसमें देखिए MACD ब्रेकआउट देने को तैयार बैठा है, RSI अप ट्रेंडिंग की तरफ हो गया, ADS डाउन का मतलब इसमें गिरावट जितनी होनी थी वो हो चुकी है, इसमें अप ट्रेंडिंग है। बाकी देखिए, आज जब से ओपन होता उसके बाद से गैप अप ओपनिंग दिया इसने, और गैप अप ओपनिंग के बाद से इसमें अप ट्रेंडिंग आ चुका है। तो अप ट्रेंडिंग आने के बाद इसके अंदर जो हमें पहला टारगेट रखेंगे 140 का टारगेट रखेंगे, क्योंकि ये इस कैंडल का सपोर्ट लेके चलेगा, क्योंकि इस कैंडल के ही सपोर्ट पे ही, ये देखिए इस कैंडल का लोअर कैंडल, इसके लोअर कैंडल के सपोर्ट में ही है। ठीक है, जैसे ही ये कैंडल पूरी फॉर्मेंट इस कैंडल के बीच में आ जाएगा, तो ये अपने 150 तक के लेवल आपको दिखा देगा कल तक के दिन में, क्योंकि इसमें जो तेज़ी दिखने को मिल रही है, और जाके बाकी सब लोगों को पता है, काफ़ी इन्वेस्टर को पता है कि इसमें अच्छे अच्छे रिटर्न आएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कोविड के चलते हुए
हर कंपनी हर किसी का बिजनेस डगमगा आया था, बट फूड सेगमेंट का काम था जो कभी बंद नहीं हुआ अभी तक, और अभी तक चल रहा है। जोमेटो अच्छे अच्छे ऑफर्स देती है, और फूड डिलीवरी जोमेटो जितनी तेज़ी से कर रहा है, आपने देखा हो जोमेटो की फूड डिलीवरी कितनी तेज़ी से बढ़ी है, तो उसका इम्पैक्ट इसमें देखने वाला है। उनका रेवेन्यू अच्छा जनरेट हुआ, जब भी तो रेवेन्यू जनरेट सेल अच्छी हो, रेवेन्यू जनरेट हो, जब भी तो $200 मिलियन के इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। तो न्यूज़ को भी हमें समझना होता है, चार्ट को भी हमें समझना होता है, बहुत सारी चीज़ों को समझ कर जब हम किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। और हम ऐसे ही आपको वीडियो अपलोड नहीं करते कि भाई आया जैसे मर्जी, नहीं, सब कुछ एनालाइज करने के बाद फिर देखिए। हम 130 का स्टॉप लॉस रखेंगे, इसका इंडिकेशन देखिए अब ट्रेंडिंग तब स्टार्ट हो चुका है। कल इसका क्वार्टर बाय टू का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट काफ़ी अच्छा आने वाले हैं। तो रिजल्ट से पहले मैं 2 टारगेट दे रहा हूँ आपको, 3 टारगेट, तीसरा टारगेट भी ऑलमोस्ट हो ही जाएगा कल के दिन में। तो ये कैंडल पे जब इस कैंडल पे आएगा, तो इस कैंडल के अंदर आने के बाद इसके अंदर जो पहला टारगेट आएगा 140 का, दूसरा टारगेट 145 का, क्योंकि ये कैंडल ही 150 तक की फर्मेंट हो रही है। तो तीसरा टारगेट है मेरे 150 रुपये का। मैं 2 टारगेट तो मेरे डेफिनेटली कल ही कल में आ जाएंगे, कल तक की डेट में आज भी आ सकते हैं 140 145, और तीसरा टारगेट थोड़ा सा और होल्डिंग करेंगे तो तीसरे टारगेट की ये कैंडल है देखिए, इस कैंडल का सपोर्ट लेगा तो 160 150 तक के लेवल है, और अपना 52 हाई भी तोड़ेगा, क्योंकि कल इसका रिजल्ट अच्छे आते तो ये डेफिनेटली अपने 52 हाई भी तोड़ेगा। तो ये तो इसका ओवरव्यू था, ठीक है ना। ये देखिए आप किस तरह से अप ट्रेंडिंग की तरफ है, MACD पे ब्रेकआउट आने को तैयार, RSI अप ट्रेंडिंग है, ADS डाउन हो चुका है। थोड़ा वीकली और समझ लेते हैं इसके अंदर, ये देखिए किस तरह से इस वीक इसमें अप ट्रेंडिंग आ रहा है। तो कुछ नहीं करना आपको, 130 के स्टॉप लॉस से बाय करिए, 140 का पहला टारगेट होगा, 145 का दूसरा टारगेट, 150 रुपये का तीसरा टारगेट, इन 3 टारगेट लिए बाय करिए। 2 टारगेट आपको कल तक में हिट हो जाता है, 2 टारगेट के बाद अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हो प्रॉफिट बुक के, होल्ड रखना चाहते हो होल्ड रखिए, ठीक है। अगर पहले टारगेट के बाद भी आप प्रॉफिट बुक करना तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपकी यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।